बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला कोटली ने बड़ी नामवर शख्सियात पैदा की हैं, जिसमें मलिक खादम साहब मरूम मकबूल जी उन्हें शामिल है, और उन्होंने अपनी भरपूर सियासी ज़िंदगी गुजारी। तो वो अपनी बात के वो जिसको कहते हैं ना, वो हल्के पक्के थे। वो अपनी जो बात कहनी वो क्या देनी है, कोई नाराज़गी नहीं करनी, किसी का ख्याल नहीं रखना कि ये कोई हुक्मरान है मुझसे नाराज़ हो जाएगा। सरदार सिकंदर साहब के साथ उनके बड़े करीबी मरासम थे। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, जब ये पंपीरा में जो वो इसका आउजिंग स्कीम का हुआ, जब वो एक अच्छा काम था सिकंदर साहब ने जो किया, तो वो कुछ जो लोग थे जिनकी राजी दी जानी थी मखसूद, तो उस पर लोगों ने कुछ एहतजाज भी किया, वहाँ लाठीचार्ज वगैरह भी इन्हें भी लगी। तो ये मैं बैठा हुआ था सिकंदर साहब के पास, तो मलिक खादम साहब बात सुनाने लगे, तो मेरे साथ उनके बड़े अच्छे मुरासम थे, और यानी मैं समझता हूँ कि उनकी जो मौत है वो बेवक्त हुई उनकी, और अपने अखबारी बयान गुफ्तगू करनी, मजलिस गुफ्तगू करनी, अच्छा फिर उनके पास किसी बात को बताने के लिए एक मिसाल ज़रूर मौजूद होती थी उनकी, और कोई पुराना हवाला दे देना किसी बात का, तारीखी बात का हवाला दे देना, कोई उस तरह की बात करनी, तो वो एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे मलिक साहब। मैं उनके साथ मिलता रहता था, मैं जब भी कोटली जाऊँ। सरदार सिकंदर साहब से पहले नाराज़ थे, साथ रहे, नाराज़ हुए, बाद में फिर उनसे उनकी सुलह भी हुई। तो जब मैं कभी सिकंदर साहब से मिलने गया, तो वो वहाँ से मुलाकात भी मेरी हो जाती थी मलिक साहब के साथ। तो बड़ी वो बेलाग वसूल करते थे, जो उनका सबसे, मैं समझता हूँ एक जो उनका एक जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट था उनकी शख्सियत का, कि वो अपनी बेला गुफ्तगू करते थे। इस बात का उन्हें नहीं होता था कि फलां शख्स नाराज़ हो जाएगा, ये नहीं कि वो किसी के दिल अपना वो किसी को तंग करना या किसी की दिलचिकनी करनी मुराद नहीं होती थी, बल्कि उनका ये होता था कि कोई हुक्मरान है तो उसके सामने जो है ना वो बात कर देनी चाहिए, लोगों की बात बजा देनी चाहिए। तो ये मुझे उनकी रात में ये बड़ी चीज़ पसंद थी मलिक साहब की। अल्लाह ताला उनको मकसद करे, और मैं तो रखता हूँ उनके बेटे से कि वो अपने वालिद की वो खसूसियात जो है उसके अंदर मौजूद होंगी, और वो उसी तरह की जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे सियासी कारकुन जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और एक ज़माना आएगा कि लोग सियासी कारकुनों को तलाश करेंगे। आज लीडर तो बहुत हैं, सियासी कारकुन नहीं रहे, ये बदकिस्मती की बात है। अब सियासी कारकुन मेरे नज़दीक जो है वो काबिल फ़ख्र बात है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि रईस कायदे मिले चौधरी गुलाम अब्बास खान साहब जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो उसको मौजूद थे, तो दिन तक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो रुकनीत की जो फीस थी वो 4 आने थी। तो वो जब भी गुफ्तगू करते थे, मुझे कई दफ़ा मौका मिला अपने वालिद साहब के साथ जाने का, उनकी बात सुनने का। वो कहते थे मैं 4 आने का सियासी कारकुन इसका जमात का, तो उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं लीडर हूँ। तो यही मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि मलिक साहब बड़े दिलावर सियासी शख्सियत भी थे, समाजी भी थे। तो उन्होंने ये जो बात मैं जो आपसे कहता हूँ कहना चाहता हूँ कि वैसे भी सियासी कारकुन के बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, शानदार ज़िंदगी गुजारी में मलिक साहब ने। तो अब वो जो मैंने आपसे पहले कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सियासी कारकुन हमारे सियासी माशरे से जो है वो रुखसत हो रहे हैं, अब पैसा है, बरादरी है, या कोई और तरकीबें जो हैं आ गई हैं लोगों के पास, जिससे वो लोग सियासत के मैदान में दाखिल होना चाहते हैं। तो मैं सियासी कारकुनों से ये अर्ज़ करूँगा मलिक साहब के हवाले से कि अच्छे सियासी कारकुनों का इंतखाब करें, उनके पीछे चलें, और जो सच और हक बात करने की आलियत तो सराहित रखता उन लोगों का साथ दें।